अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए अपने लिए बायर्स जनरेट कर सकते हैं, और वो बायर्स जो कि लॉन्ग टर्म होंगे और आपके साथ कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सब हम करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पहले ही कुछ एग्जाम्पल्स ओपन की हुई हैं। इनको एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दूँ कि सिंपल हमने करना ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट बनाना है अपने स्किल से रेलिवेंट। जिस तरह से हमने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से आप अगर वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप अपने नाम लिख सकते हैं एहसान वर्डप्रेस डेवलपर, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लिख सकते हैं अपना नाम लाइक एहसान वर्डप्रेस डेवलपर, जो कुछ भी हो, या डिजिटल मार्केटर हैं, जो कुछ भी आपकी स्किल है उसके रेलिवेंट आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट बना लेना न्यू। अपने पर्सनल अकाउंट से ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, सिंपल एक डेडिकेटेड अकाउंट इसी काम के लिए बनाना है। आपका अकाउंट बन गया, अब क्या करना है, आपने उसके ऊपर डेली पोस्टिंग करनी है अपना वर्क सैंपल्स की, राइट। और उसके अलावा जब वर्क सैंपल पोस्ट करेंगे आप अपने वर्क सैंपल्स, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। अब वो किस तरह से फॉलो करेंगे ये भी आगे चल के बताता हूँ, बट उससे पहले हम ये पेजेस देख लेते हैं कि लोगों ने किस तरह से पेजेस बनाए और किस तरह से अपना वर्क सैंपल यहाँ पर डाला हुआ। यहाँ पर देखें, मैंने एक वेबसाइट जो है डिवेलपर है, डिज़ाइनर है, यहाँ पे इसके 50K फॉलोअर्स हैं। आप सोचें कि इसके परमानेंट क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से कितने होंगे। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो भी इन्होंने काम किया, जो भी इनका पोर्टफोलियो, वो इस तरह से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी इसका इनका वर्क सैंपल था उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब जितने भी लोग जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अब सारे तो नहीं हैं वेबसाइट डिज़ाइनर, तो यहाँ से वो उनकी सर्विसेज, इनके लोकल सर्कल से आके यहाँ से इनके काम देख के, इनसे इंस्पायर होके इनसे सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप पेज बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और पेज खोला, इस पे भी इन भाई ने देखें बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है पोर्टफोलियो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट डेवलपर हैं, इन्होंने भी अच्छे तरीके से जो डिफरेंट कंटेंट डाला हुआ है उसी के रेलेवेंट और अपने प्रोजेक्ट्स। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रेलेवेंट जो भी प्रोजेक्ट किए हैं या जो भी इनका वर्क सैंपल है या पोर्टफोलियो, वो सारा इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसी तरह ये एक और ग्राफिक डिज़ाइनर है, सिमिलरली ये एक और ग्राफिक डिज़ाइनर है, और यहाँ पे देखें इन्होंने बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन का काम किया हुआ है। ये बेसिकली NFT नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए करेक्टर्स डिज़ाइन करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना जो पोर्टफोलियो है वो शो करवाया, और इनके 5000 फॉलोअर्स हैं। अब मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ, अब ये जो जिस तरह से आप ये अकाउंट बनाएंगे फेसबुक पे या इसके ऊपर, तो क्या होगा कि आपका एक सोशल प्रूफ बनेगा। जो क्लाइंट आपके पास फाइवर या अपवर्क पे भी आएगा तो आपसे पूछेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो जहां वो आपको $100 पे करेगा, वहां आपको वो $1000 पे करके जाएगा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी है और आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। अब लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये भाई हैं, इनके 50,000 फॉलोवर्स हैं, और इन्होंने अच्छे तरीके से क्या किया हुआ है, अपना जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। अब लेट्स सपोज ये फाइवर या अपवर्क पे भी काम करते होंगे, अब वहाँ पे इनके पास जो क्लाइंट आता है ये उनको दिखा सकते हैं कि ये मेरा पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम का URL है, और यहाँ पे देखिए मेरा सारा पोर्टफोलियो अवेलेबल है, और आप यहाँ से देख सकते हैं, और मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल्ड पर्सन हूँ। तो क्या हुआ कि वो जो पर्सन, जो बायर आया, उसको भी कन्वर्ट करने में हेल्प हुई इसकी, और यहाँ से जो बायर्स आएंगे आपके पास वो तो हैं ही अलग, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टली इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो एंगेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और अपना सोशल प्रूफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब बात आ जाती है बायर्स की। अब लेट्स से मैंने एक नया पेज बनाया, ठीक है, नया पेज बनाने के बाद मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ये सारा पोस्ट कर दिया। अब मुझे किस तरह के लोगों को चाहता हूँ मैं, किस तरह के लोग चाहता हूँ कि किस तरह के लोग मुझे फॉलो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, लेट्स से मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग
डिज़ाइनर, लेट से चले मान ले इसी को ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनर ये हमारे पास ओपन है। अब मैंने नया पेज बनाया, उस पेज को लॉगिन करके मैंने फिर क्या किया, वेबसाइट डिज़ाइनर इस तरह की प्रोफाइल्स दो चार निकाली। अब मैंने क्या करना है, इसके फॉलोवर्स में जाना है। अब ये वाले फॉलोवर्स वो हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं या वेब डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो और ये आपको फॉलो बैक करेंगे, और कुछ अरसे के बाद आप इनको चाहो तो अनफॉलो भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आ सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से स्मार्टली आपने इंस्टाग्राम को यूज़ करना है टू गेट मोर बायर्स एंड एफिशिएंट बायर्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।